अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी अनयूजुअल है। वजियाज इनसाइट पे व्लॉग्स और कुकिंग से हट के स्टोरी टाइम की वीडियो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी और आप लोगों से वोट मांगे थे कि आप लोग चाहते हैं कि मैं स्टोरी टाइम करूँ वजियाज इनसाइट पे या नहीं करूँ। तो आप सबका रिप्लाई जो वोट्स थे वो वोट यस में थे कि मुझे वजियाज इनसाइट पे स्टोरी टाइम करना चाहिए। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लगती है, आज स्टोरी टाइम का पार्ट वन है और स्टोरीज़ होंगी मेरी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़, मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने खुद जिए हैं, वो लम्हे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज का जो स्टोरी टाइम है वो है पार्ट वन, और एवरी मंडे मेरी कोशिश होगी कि मैं एक स्टोरी टाइम स्टोरी आप लोगों से शेयर करूं। तो अब आप लोगों के रिस्पांस पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो फिर नेक्स्ट मंडे एक अगेन स्टोरी के साथ आऊँगी। तो चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। स्टोरी कुछ यूँ है कि ये क्लास टेंथ का जिक्र है। टाइटल से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि ये थोड़ी सी स्कैरी सी स्टोरी है। और उस टाइम पे तो मतलब मैं अपनी आपको अगर बताऊं कि मैं बिलीव नहीं करती थी। वैसे तो मैं थोड़ी सी डरपोक मिजाज ही वाकई हुई हूँ, लेकिन मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करती थी जब वो सब कुछ मैंने अपनी आँखों से देखा। और जो ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी, फिर इसके एंड में आपको उसका पूरा बताऊँगी भी कि वो सीन था तो क्या सीन था। अच्छा, हुआ यूँ कि क्लास टेन के पेपर होने वाले थे और मेरी बेस्ट फ्रेंड, स्कूल की बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके घर पढ़ाई करने जाते थे। हम लोग ना कंबाइन स्टडी करते थे उस टाइम पे। तो असर मगरिब के बाद का टाइम था और मैं बस उस फ्रेंड का नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। हम लोग अपने उसके रूम में बैठे हुए हम दोनों अपने नोट्स बना रहे थे और कंबाइन स्टडी कर रहे थे कि अचानक से क्या हुआ, उसके बड़े भाई घर में आए और उनकी अपनी अम्मी से कुछ बहस और तकरार हो गई। ठीक है, अच्छा वो तो हो गया और उन्होंने थोड़ी सी मिसबिहेव किया अपनी अम्मी के साथ, यानी मेरी दोस्त की अम्मी के साथ मिसबिहेव किया उसके भाई ने। और उसके बाद क्या हुआ, उसकी अम्मी, अच्छा वो अंकल और आंटी इतने हम्बल और इतने स्वीट थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत नाइस पर्सनैलिटी और बहुत काम। उस दिन से पहले मुझे आज तक नहीं पता था ये उनके घर की हकीकत थी कि वो उस दिन मेरे सामने आई कि आंटी उठी और कमरे के अंदर जिस कमरे में हम पढ़ रहे थे उधर आके लेट गई और उनका फेस बहुत ज़्यादा रेड, मरूनिश रेड होता है वो, रेड हो गया और उनकी आँखें भी बिल्कुल रेड। और उन्होंने एक गीला रुमाल मेरी फ्रेंड से करके मंगवाया और अपने चेहरे पे डाल लिया। और उसके बाद उनकी आवाज़ हो गई चेंज और 5 मिनट ये हुआ है सारा काम कि वो अंदर आके लेटी हैं और 5 मिनट के बाद वो उठी हैं और बस उनकी आवाज़ चेंज थी और उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि मैं इसको ले जा रहा हूँ। वो आंटी थी लेकिन वो एक मर्दाना आवाज़ में बात कर रही थी और उन्होंने बोला कि मैं अब इसको यहाँ तुम लोगों के पास नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग ना इसकी इज़्ज़त करते हो ना कदर करते हो, मैंने बहुत आजमा लिया तुम लोगों को और मैं इसको लेकर अपने साथ जा रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, उस टाइम पे मैं सिर्फ हैरान थी कि ये उसके घर में हो क्या रहा है। और उसने मुझे, जब मैंने उसको देख रही थी, मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था उस सिचुएशन में, तो उसने मुझे सिर्फ खामोश रहने का इशारा किया और बोला, उसने बोला खामोश बैठी रहना, कुछ मत बोलना। और उन्होंने स्लीपर्स पहनी है और दरवाज़े की तरफ वो जाने लगी। तो बिलीव मी, अंकल ने, मेरी फ्रेंड ने और जो उसके बड़े भाई थे जिन्होंने मिसबिहेव किया था, दरवाज़ों में ताले डालें, मोटे मोटे ताले डाल के लॉक किए दरवाज़े और अपनी अम्मी के पाँव पकड़ के वो लोग माफ़ी मांग रहे थे कि हम आइंदा इन्हें नहीं सताएंगे, हम इनकी इज़्ज़त करेंगे, आप इनको छोड़ दें। लेकिन उनके मुंह से उनकी आवाज़ चेंज हो चुकी थी, आंखें लाल थीं, पसीनों में शराबोर थीं वो आंटी, और उनका फेस लाल था और बस एक रट थी कि मैं अब इसको यहाँ नहीं छोड़ूंगा। खैर, इन लोगों ने पाँव पकड़ के माफ़ियाँ मांगी, हाथ पाँव जोड़े उनके, उनको ठंडा पानी दिया, उन्होंने कहा कि मुझे एक बाउल में ठंडा पानी ला के दो फ्रिज का। मेरी फ्रेंड ने उन्हें पानी ला के दिया तो वो क्या कर रही थी, बस उसके अंदर हाथ डाल डाल के अपने फेस पे छींटे डाल रही थी। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है जो मैंने अपनी आँखों से देखी है, ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में।
और वो 10 मिनट तक बस पानी अपने फेस पे डालती रहीं और उसके बाद कमरे में वो चली गई दूसरे कमरे में और कमरे को लॉक करके और सुकून। मैं खैर उस जब वो कमरे में लॉक हो गई थी मैं अपने घर आ गई। नेक्स्ट डे मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये क्या सारा माजरा था, तो उसने मुझे बताया कि मेरी अम्मी यंग एज में उनके बाल बहुत लंबे थे, घुटनों से नीचे बाल आते थे, बहुत खूबसूरत बाल थे, तो वो असर मगरिब के दरमियान एक नीम के दरख्त से नीचे से गुजर रही थी तो वहाँ पे वो बुज़ुर्ग जिन थे जो कि उनके ऊपर आशिक हो गए थे। और जवानी से लेके मेरी फ्रेंड इतनी बड़ी हो गई थी, उनके बच्चे जवान हो गए थे, वो ख़ुद बूढ़ी हो गई थी, लेकिन वो हज़रत जो थे उनके ऊपर इसी तरीके से आशिक थे और इसी तरह से वो आ जाते थे अगर वो कभी परेशान होती थी या कोई उन्हें सताता था। और उनकी बस यही डिमांड थी कि इनसे, क्योंकि वो उनसे मोहब्बत करते थे तो वो चाहते थे कि उन्हें कोई तकलीफ़ ना दे। ये इस वक्त भी मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और मेरे गूज़बम्स हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैं अपना ये एक्सपीरियंस ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती कि उसके बाद मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे इन चीज़ों पे, बेशक ये चीज़ें होती हैं हम लोग यकीन नहीं करते, लेकिन इन ये एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में, इन तमाम मखलूक का है अमल दखल, और हमारी अपनी लाइफ में भी अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए, लेकिन ऐसा होता है। और बस ये सारी कहानी थी, तो उन पे वो बुज़ुर्ग आते थे और उनको बस ये डिमांड थी कि उनकी इज़्ज़त की जाए, उन पे जो है ना कोई उनके साथ मिसबिहेव ना हो उसकी मदर के साथ। अब तो उन आंटी की डेथ हो चुकी है, उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है, मेरी फ्रेंड की शादी हो चुकी है, सारे बहन भाई मैरिड हैं, मैं पेरेंट्स की डेथ हो गई है, लेकिन ये वाकया मैं जब भी याद करती हूँ मेरे रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ मेरे इंस्टा पे और FB पे शेयर कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है। और बाकी स्टोरी कैसी लगी, इस तरह की स्टोरीज़ और मेरी लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज़ अगर सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं नेक्स्ट पार्ट करूं या इसको स्टॉप कर दूं। ओके जी, चलें ये स्टोरी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।